सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझसे कैसे मिलोगे? और हाँ, घंटी जरूर दबाना। टडंग टडंग टडंग, जब 250 मिल जाते हैं तो बन जाते हैं 250। Hi guys, I'm Priyanka और आज मैं करने वाली हूँ 24 hours challenge, जहाँ पे मैं खाने वाली हूँ दिन और रात, सुबह और शाम, सारा का सारा खाना सिर्फ 250 रुपीस में। बट आज के फूड चैलेंज में जो ट्विस्ट है वो ये है कि मेरा कोई भी मील 50 रुपीस से ना कम हो सकता है ना ही ज़्यादा हो सकता है। So come on, let's get started. इट्स ब्रेकफास्ट टाइम गाइस, बट पता है लुधियाना में ना मुझे कुछ भी 50 रुपए का एग्जैक्टली मिल ही नहीं रहा। यहाँ पे पता है सबसे महंगी चीज़ क्या है, वो भी 50 रुपए की, और पता है क्या है? एग मैगी। अब आप ही बताओ, मैगी के अंदर एग डाल के कौन खा सकता है? भाई मैं तो नहीं खा सकती। तो चलिए भाई, अपनी खोज जो है जारी रखते हैं और ढूंढते हैं कि 50 रुपए में हमें क्या खाना मिलेगा। आ जाओ, बड़ा डिफिकल्ट है ये चैलेंज मुझे लगता है। देखो गाइस क्या दिखा है, कुलचे। चलो भैया से पता करते हैं ये हमारे बजट में आएंगे कि नहीं। भैया आपके यहाँ कुलचे मिलते ना? तो वो देखिए, पहले दिखाइए कितने बढ़िया स्टाइलिश कुलचे बना रहे भैया तंदूर के अंदर। वाह वाह क्या बात है, ये तो मुझे लग रहा है गोभी के मसाले के कुलचे। आई होप मेरे बजट में आ जाए। तो भैया कुलचे कितने के हैं? ये मैम 40 रुपीस के 2 पीस हैं। 40 रुपीस के 2 पीस हैं? हाँ 40 रुपीस के 2 पीस हैं। अच्छा, और उसके साथ क्या देते हैं भैया? मैम उसके साथ चने हैं और दाल मखनी है। 40 रुपए में सब दे दोगे? कितना सस्ता है लुधियाना। तो भैया एक काम कर सकते हैं मेरे लिए, अगर मुझे 40 रुपए के कुलचों को 50 रुपए में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो? मतलब ऐसा क्या डाल सकते हो कि ये थोड़े 10 रुपए महंगे हो जाए? क्योंकि हमने ना चैलेंज लिया हुआ है। अच्छा, इसमें मैम स्टफिंग ज्यादा कर देंगे आपकी? ज्यादा कर दोगे? कुछ पनीर वनीर चीज वीज है क्या? कुछ है? क्या बात है गाइस, यहाँ पे 40 रुपए में मैं एक्स्ट्रा माल भरा के ना उसको कर दूंगी 50 रुपए का। तो बस लगा दीजिए हमको एक बढ़िया से कुलचे, जरा स्टफिंग फिर खूब सारी भर दीजिएगा। हाँ चलो भाई, यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट जो है ना, थैंक गॉड सॉर्टेड हो गया, नहीं तो मुझे लग रहा है मेरा इतना डिफिकल्ट चैलेंज आज मैं पूरा करूँगी कैसे। इतना सस्ता है सच्ची लुधियाना। सो गाइज ये आ गया मेरा ब्रेकफास्ट, गर्मा गर्म कुलचे। सो जस्ट हैव अ लुक, देखो कितने माउथ वाटरिंग कुलचे हैं ना, और भैया ने तो इसमें गार्लिक भी लगाई है। वाओ, साथ में मेरे पास दाल मखनी, छोले और इतना सारा सैलेड। ओ माय गॉड, देख रहे हो क्या हुआ? वाह, इतना सस्ता इतना सारा। हाँ? तुमने भैया को लूट लिया है क्या? अरे नहीं नहीं भाई, आज तो मैंने भैया को 10 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं। पता है ये सारा खाना तो सिर्फ 40 में था, इन कुलचों में ना मैंने भराया भर भर के पनीर और 10 रुपए एक्स्ट्रा करके इसको 50 रुपए का बनाया। चैलेंज जो है ना, अरे चल आज तू भी खा ले यार, लुधियाना के हिसाब से मेरे पास बहुत सारा बजट है। चलो चलो तू भी खा ले, बहुत सारा खाना है। देखा कितनी जल्दी जल्दी खाना चालू कर दिया इसने, सैलेड सच्ची बहुत सारा दिया है। कैसा है पंजाबी तड़का टेस्ट? वाओ यम यम भाई साहब कह रही हूँ, सॉरी भैया ने ना कुलचे इतने गजब के बनाए, सबको हंसी आ गई भाई साहब के नाम से। तो लेकिन एक बात बताऊँ, ये देखो इसमें जो भर भर के इन्होंने हरी मिर्चियाँ डाली है ना, मैंने डलवाई भैया से हरी मिर्चियाँ। देखो कितनी सारी हरी मिर्चियाँ डाली है। वो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर दे रही इन कुलचों को। सच्ची यार पंजाब का खाना बहुत 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 ज़्यादा माउथ वाटरिंग होता है, और हमारे बजट में आ जाए तो और भी ज़्यादा माउथ वाटरिंग होता है। चलो चलो खा लो, आज तो तेरी पार्टी है, आज की पार्टी मेरी तरफ से। देखो कितनी जल्दी खाई चले जा रहा है ना, इतना सस्ता है तो दोनों मिलके ही खाएंगे, अब शेयर करेंगे हर मील। सारी मील शेयर करोगे? इट्स लंच टाइम गाइस, और लंच खाने के लिए पता है मैं कहाँ हूँ? देखो ये हिमालय वेज पुलाव। क्या भाई, अभी तो मैं हिमालय से आई हूँ, मुझे नहीं पता था हिमालय का वेज पुलाव भी बनता है। हिमालय के पानी के बारे में तो सुना है, और पता करें भाई ये वेज पुलाव क्या है। भैया ये हिमालय वेज पुलाव क्या, और कितने का है? 50 का हाफ प्लेट है। 50 का हाफ प्लेट है, 50 का गाइस मिल रहा है वैसे। और ये पुलाव में होता क्या है, हिमालय का क्या लेना देना है? हिमालय मतलब हिमालय से आया क्या चावल अवल है? हिमालय से नहीं आया। अच्छा वो एक मुझे दिख रहा है कि वो सोया चाप बिरयानी, वो कैसे बनाते हो? वो चावल और चाप फ्राई करके देते हैं। अच्छा वो कितने का है?
सौ का फुल है। अरे यार यहाँ तो मेरे बजट में सारा का सारा खाना मिल रहा है। वैसे बताओ हाफ प्लेट अगर मैं लूंगी तो मेरा पेट भर जाएगा ना। वो इनसे इनसे मुझे शेयर भी करना पड़ेगा। दो लोग खा सकते हैं क्या? खा लेंगे, पेट भरेगा। पक्की बात? पक्की बात, क्या बात है। तो भाई हमारा और अभिमन्यु का पेट भर जाएगा, आज प्रॉमिस कर रहा है। थोड़ा थोड़ा शेयर जो करना है मुझे। तो भैया हमको ना ये लगा देना, सोया चाप बिरयानी। सो ये देखिए गाइस, ये आ गई मेरी सोया चाप बिरयानी। देखो देखो कितना बढ़िया सजाया भैया ने, और साथ में ये मिर्च के पकौड़े भी नहीं है। ओए होए, चले भाई, भैया ने पहले से ना दो चम्मच लगा के दिए क्योंकि हमारे फ्रेंड अभिमन्यु जो खाएंगे। अभिमन्यु वैसे एक बात बताऊँ, तुम ऐसा करो ये मिर्ची के पकौड़े खा ले और बिरयानी मैं खा लेती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम बिरयानी खा। अरे रुको रुको रुको, इतनी जल्दी कहाँ चला जा, मिर्ची के पकौड़े नहीं खाएगा तू, बिरयानी खा चला जा। मेरे लिए ये देखिए, ये है सोया चाप, ये देखिए ये है सोया, और ये वेजिटेरियन होता है भाई। कई लोग मुझसे पूछते सोया वेज होता है कि नहीं वेज होता है। शेयर करने की बात थी ना। सस्ते अतरंगी सामान ये ढूंढ रहे हो जो हम अपन दोनों शेयर करके खाए जा रहे हैं। मुझे लगता है नहीं, मुझे लगता नहीं तेरे से शेयर करूंगी तो मेरा पेट भरेगा। अरे ज्यादा मत, गिर जाएगा। तुम भागो मत। अबे रुको तो, एक मिनट रुक जा, खाए चला जा रहा है। वैसे ये है बड़ी मसालेदार, और नींबू तो निचोड़ दे, तू निचोड़ दे, मेरे हाथ में नींबू लग जाएगा यार फिर। ये अच्छा काम करा था नींबू। अरे यार मेरी आंख में मत निचोड़ यार, इसमें बिरयानी में निचोड़। चल चल खा ले खा ले खा ले। हाँ हाँ खा लो, हाँ। अब टोकना मत। नहीं नहीं, बहुत बहुत ही गजब का। ये देखो चटनी खा के देखें कैसी है यार। नहीं चटनी नहीं, पहले पकौड़ा खाएंगे। तुम भी खाओ पकौड़ा। बहुत ही गए रे, तूने कैसे खा लिया? मिर्ची लग गई। हाँ बहुत ही गए। रुको ये बिरयानी खाते हैं। अरे भैया मिर्ची के पकौड़े नहीं, बम के पकौड़े इतने दिखे हैं, सच्ची सच्ची बहुत दिखा है, बहुत दिखा है। जल्दी खा लूँ। हो गया तुम्हारा? हाँ हो गया तुम्हारा? हाँ हो गया तुम्हारा? हो गया इनका, हो गया। चलो मैं खा लेती हूँ भाई। इट्स स्नैक टाइम गाइस। स्नैक खाने के लिए मैं आई हूँ एक बड़ी सुंदर सी फूड कार्ट पे, जहाँ पे पता है मुझे लग रहा है कि भेलपूरी, चटपटी भेलपूरी मिलेगी। तो भैया आपके यहाँ वो वैसे, हाँ ये भेलपूरी मिलेगी ना? तो भेलपूरी ये इसकी भी है, और ये कौन, अच्छा ये कौन की भी है? ये कॉर्नफ्लेक्स वाला कौन है? खोल के देख लूँ। अच्छा गाइस ये वाला कॉर्नफ्लेक्स है। कितने का है भैया? 30 रुपये का है। 30 रुपये का है। वैसे गाइस मुझे तो ना 50 रुपये का बनाना है। तो इसमें क्या क्या डालते हो आप? अच्छा, और ये आपके पास ये शकरकंदी भी मिल रही है, स्वीट पोटैटो है? शकरकंदी बोलते हैं क्या पंजाब में भी? शकरकंदी होते। तो आप एक काम करोगे मेरे लिए प्लीज़, मेरे को ये कॉर्न वाली भेलपूड़ी बना दो, पर इसमें सारे आइटम डाल दो, इसको 50 रुपये का कर देना। ठीक है, पर ये बेल डालाऊँ कि नहीं? ये बेल डालाऊँ? ये अलग से होते हैं। इसमें बीजे हैं क्या? बीजे? अरे भैया वो भेलपूड़ी के टाइम में बीजे वाले बेर नहीं डाल सकती हूँ। एक खा के देख लूँ, एक खा के देख लेती हूँ कैसा है। है तो अच्छा यार, सच्ची सच्ची। तो भैया ऐसा करो हमारे लिए 50 रुपये की बढ़िया ये सारे आइटम, आप स्वीट पोटैटो भी डालना। जनरली हम लोग बॉम्बे में ना आलू डालते हैं भेलपूरी में, तो आलू की जगह आप मुझे मीठा आलू डाल देना, बना दीजिए एकदम, और सजा देना बढ़िया सा सुंदर सा। आ रही है मेरी चटपटी भेलपूरी, ये बेर सच्ची बड़ा अच्छा है यार। सो गाइस ये आ गई मेरी चटपटी मिक्स भेल। देखो देखो भैया ने कितना बढ़िया सजाया ना सेव से। एंड भाई इस भेलपूरी में पड़े हैं कॉर्नफ्लेक्स। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है भैया, यहाँ बहुत शोर हो रहा है। पर भाई एक गया नहीं, दूसरा पापा पापा। इसके अंदर पड़े हैं कॉर्नफ्लेक्स और स्वीट पोटैटो। भाई अब ट्राई करें कैसा है। आहा आइए। हाय रॉन्ग, बहुत अच्छी है ये। एक्स्ट्रा कुरकुरी भेल है क्योंकि कॉर्नफ्लेक्स की भेल है। मैं एक बात बताऊं, आय हाय आपको मूढ़ी की जगह ना कॉर्नफ्लेक्स की भेल खानी चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है और एक्स्ट्रा क्रंच है इसमें। प्लस इसमें जो हरी मिर्ची डाली है ना, और जो स्वीट पोटैटो डाला है, जब मीठा और तीखे का कॉम्बिनेशन होता है ना,
सच्ची सोने में सुहागा होता है, बहुत मजा आया भाई। अब तो ना मुझे लगता है मुझे कॉर्नफ्लेक्स वाली भेली खानी चाहिए। इट्स डिनर टाइम गाइस, और डिनर खाने में ना बड़ी इंटरेस्टेड हूँ मैं, क्योंकि वहाँ मैंने पोस्टर में देखा है कि मिल रही है मक्के की रोटी और सरसों का साग। हाय हाय क्या बात है, पंजाबी खाने में ना बड़ा मज़ा आता है। तो चलो भाई, वैसे तो ये मुझे टी स्टॉल दिख रही है, पता करते हैं अंकल से कि सिर्फ पोस्टर में ही लिखा है या सच्ची में उनके पास। वैसे अंकल, वो मक्के की रोटी सरसों का साग सच में मिलेगा या सिर्फ पोस्टर में दिखाने के लिए है? बना हुआ है। अरे क्या बात है, सच्ची सिर्फ पोस्टर में दिखाने के लिए नहीं, इनके पास तो वाकई मक्के की रोटी सरसों का साग। कितने का है? 50 क्या? 50 सच्ची? आई कांट बिलीव दैट, थैंक यू सो मच गॉड। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये सिर्फ 50 रुपए में मेरा चैलेंज फूड चैलेंज जो है आज सफल हो रहा है। तो भाई हमको गर्मा गर्म मक्के की रोटी और सरसों का साग खिला दिए, कितनी रोटी आएंगी? दो रोटी 50 रुपए में, और सरसों का साग खूब सारा आएगा। ये एक जन का पेट भरेगा या दो जन का? एक जन का भरेगा। वैसे गाइस अभी मक्खन भी लगाओगे? आय हाय क्या बात है अंकल, भी देंगे। अच्छा भाई क्या बात है, जब तक अभी मन्यू ना अपने फोन पे ना, पता है वो फोन पे दिखा नहीं उसको, वो उधर चला गया, वो अपने फोन पे, इसका कोई ऑफिस से फोन आ गया था, तब तक मैं जल्दी से अपना खाना खा लेती हूँ। लगा दीजिए। सो गाइस ये देखिए, यहाँ पे आ गया मेरा मक्के की रोटी और सरसों का साग। देखो ये है मक्के की रोटी, आ है कितनी टेम्पटिंग लग रही ना, और सरसों का साग, आए हाय भैया ने इसके ऊपर व्हाइट बटर भी डाला है साथ में, मूली चटनी, और ये पता है क्या है? गुड़ है, गुड़ पाउडर्ड गुड़। चलो भाई इससे पहले अभिमन्यू आए, मैं फटाफट अपना खाना खा लेती हूँ। आहा ये देखो, थोड़ा बटर भी लगाऊँ, थोड़ी सी गुड़ भी बुड़का ही लेती हूँ मैं। आहा अब आएगा असली मजा। हाँ मेरा फोन खत्म हो गया, मक्खन वाले साग की खुशबू आ गई मुझे, खाने दो यार। अच्छा ये शेयरिंग की बात करी थी, शेयरिंग करेंगे। ऐसा करना, मैं बता रही हूँ तुझे, ये तो आधी रोटी खा ले, इतना तो खा लेने मुझे यार आधे शेयर करने की बात थी, ऐसे डांटोगे मुझे? अच्छा ठीक है, आधे में काम चला रहा हूँ। चलाओगे सच्ची मुच्ची? और ये बटर मैं खाऊंगी जो ऊपर पड़ा है। अरे एक चीज बताना भूली नहीं मैं आपको, ये 50 रुपए में बॉटल भी इंक्लूडेड है, खाने के साथ साथ पानी मुफ्त। जल्दी मत खा, जरा मैं एक्सप्लेन तो कर लूं। ये मक्के की रोटी इतनी बढ़िया बनाई है भैया ने, बढ़िया और सॉफ्ट है, प्लस इनका जो साग है ना, क्या बताऊँ मैं, एकदम ऐसा लग रहा है सात्विक साग है। इतने टाइम से मुझे क्रेविंग थी ना ये मक्के की रोटी और सरसों का साग खाने में, आज पूरी हुई है गाइस, सचमुच बहुत बढ़िया है, एंड इट्स बिल्कुल फुल पैसा वसूल है ये। आइए आ गए हमारे प्यारे प्यारे दोस्त कॉल लगाने, ऐसा कर तू गुड़ से खा ले ना साग, मैं खा लेती हूँ, देख मैं भी गुड़ लगा रही हूँ, तू भी लगा ले। गुड़ अनलिमिटेड है भैया के पास, पूरे टपरी भरी पड़ी है। इट्स डिजर्ट टाइम गाइस, और पता है डिजर्ट में क्या खाने वाली हूँ? बहुत ही स्पेशल, देखो ये है गुलाब जामुन, इनकी शेप देख रहे हो एकदम बोट के तरीके के, एंड ये एक गुलाब जामुन पता है 25 रुपए का है, तो दो गुलाब जामुन कितने के हुए अपने आप कैलकुलेशन कर लेना। तो चलो ये देखो, आहा ये शर्मा स्वीट्स पे है, और इतने टेम्पटिंग है ना कि मुझे याद थे मुझे यहीं से खाने हैं। ओहो अमेजिंग, इतने सॉफ्ट, इतने मुलायम है, मुंह में घुल जाते हैं। लव बाय एज पर डिसाइडेड वी हैव टू शेयर राइट। अरे यार तुम मेरा 25 रुपए का गुलाब जामुन खाए चले जा रहे हो, चलो अच्छा है तुमने 1/4 खाया है, 1/4 खाया, जल्दी से मैं खा लूँ इससे पहले कि मेरे सारे गुलाब जामुन कट 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 कर खा जाए। गोमुख का खाए भाई, अब हमें अपने गुलाब जामुन जो है जल्दी से करते खत्म, आपको मिलोगे अगले वीडियो में। बाय भाई, वीडियो अच्छी लग रही है ना तो क्या करते हो, कंजूसी क्यों करते हो, जल्दी से जाओ, खूब ढेर सारा लाइक करो, सब्सक्राइब करो जिन्होंने नहीं करा है। बाय।